दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में सोमवार रात भीषण आग लगने के बाद हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला। आग लगने के बाद इलाके की विधायक अलका लांबा मौके पर पहुंची और आग बुझाने के लिए लाई गई क्रेन में बैठकर जायजा लेने लगी, जिसका लोगों ने जमकर विरोध किया। दिल्ली के चांदनी चौक के मोती बाजार इलाके में सोमवार रात एक कपड़े की दुकान में आग लगने के बाद करीब 100 दुकानें जलकर खाक हो गईं। आग लगने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 29 गाड़ियों ने करीब घंटों बाद आग पर काबू पाया, लेकिन आग बुझाने के दौरान विधायक अलका लांबा आग बुझाने के लिए आई क्रेन में बैठकर राहत कार्य देखने लगी। इसके बाद स्थानीय दुकानदारों ने उनका जमकर विरोध किया और नारेबाजी की। अच्छी खासी आग बुझा रही थी, लेकिन उन्होंने आके काम रुकवा दिया और तमाशा देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रही है। हम सब बर्बाद हो गए यहाँ पे। हम उधर अपनी सफाई में अलका लांबा ने ट्वीट पर कहा कि फायर ऑफिसर ने मुझे लोगों से अपील करने को कहा ताकि पैनिक ना हो। मुझे अपील करते देख बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद, अलका लांबा मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने भी अलका लांबा की आलोचना की। ये सब चीजें शोभा नहीं देती और राजनीति अपनी तरफ है, लेकिन रेस्क्यू और रिहैब मैकेनिज्म अपनी तरीके से है। आग की वजह से करोड़ों का माल जलने की आशंका है, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोनिस ब्यूरो।